नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं डीएस बाबू और डीएस बाबू ब्लॉग चैनल में फिर से आज आपका वेलकम है, स्वागत है। तो आइए, आज मैं अपना अलग ब्लॉग पर लेकर आया हूं और आज का संबंधित है सब्जी। जी हां, सब्जी आप जानते होंगे कि सब्जी क्या होता है, हर कोई सब्जी जानते हैं। तो चलिए, मैं सब्जी के बारे में जो गाँव देहात के लोग होते हैं कैसे सब्जी फराते हैं अपना गाँव में, घर में, जो देहाती देहात क्षेत्र से हैं, गाँव से हैं, जो शहर से बिलोंग नहीं करते हैं, वो किस प्रकार से अपना सब्जी को फराते हैं, किस टेक्निक के माध्यम से, वो जानकारी देता हूँ। तो जैसे कि मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, झाड़ टाइप से है और देखिए कितना ऊपर तक है, देख रहे हैं। तो ये जो है मेरे घर का है, मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। मेरा घर बहुत ही दयनीय स्थिति है, मैं आपको घर का भी डिजाइन दिखा दूँ। ये रहा मेरा घर, देख रहे हैं कितना कपड़ा टंगा हुआ है, बहुत ही गरीबी स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। तो ये है मेरा घर, हालांकि दो दो गाड़ी लगा हुआ है, दोनों अपना ही है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो इसको कहते हैं रक्षा, हम लोग गांव में रक्षा बोलते हैं। अब आप क्या बोलते हैं कमेंट में बताइएगा। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के यहाँ पे लटका हुआ है और इसको हम लोग लकड़ी के माध्यम से लटकाए हैं। ये देखिए इसका फर जो होता है, आप क्या बोलते हैं इसको बताइएगा। ये देखिए ये इसका फल है, कितना बेहतरीन टाइप से रखा हुआ है, यहाँ पे लगाया हुआ है लकड़ी लगाया हुआ है और यहाँ पे ये रखा हुआ है, यानी कि इसका ये ऊपरी वाला परत में, ऊपरी भाग में बिल्कुल जोड़ नहीं है, थोड़ा सा भी इसमें जोड़ नहीं है, आराम से यहाँ लटक के अपना हिसाब से ये फरेगा। इस प्रकार के पूरा लर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे डांठ जो नजर आ रहा होगा, और इसका जो फूल होता है दोस्तों, फूल को मैं दिखा दूँ तो शायद कैमरा में नहीं आ रहा है बढ़िया। हाँ, ये रहा इसका फूल, ये है फूल इसका, ये फूलेगा, इसके बाद फलेगा और इसमें बहुत सारा फूल नजर आ रहा होगा, इस टाइप से करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा में। तो इस प्रकार से हम लकड़ी गाड़ के आप आसानी से सब्जी उगा सकते हैं। और अलग हट के आपको थोड़ा सा दिखाते हैं कि किस टाइप से आप गांव में, मतलब यदि आपके पास व्यवस्था नहीं है जंगल जाने का या इस प्रकार का झाड़ी गाड़ने का व्यवस्था नहीं है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से झाड़ी लगा हुआ है, तो आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो बताता हूँ मैं। ये देखिए इसके ऊपर, देखिए ये लौका है, लौकी हम लोग बोलते हैं, ये लौका है और ये लौका के नीचे देखिए मचांग बनाया गया है, ये जो अंदर में दिखाई दे रहा है, ये जो अंदर है ये सब, इसको मैं दिखाता हूँ आपको। और ये जो मचांग है, मचांग को ऊपर चढ़ने के लिए देखिए सीढ़ी बनाया गया है, ये जो सीढ़ी है ये देख रहे होंगे सीढ़ी है ना, ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी को मैं दिखा दूं, ये देखिए नीचे तक सीढ़ी लगा हुआ है, इसमें आप चढ़ के आसानी से ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जाने के बाद जो ये जो आप लगा हुआ दिखाई दे रहा है सब्जी, यहाँ तोड़ सकते हैं। तो चलिए, अगर ऊपर फरा है तो ऊपर तोड़ते हैं और नीचे फरा है तो नीचे कैसे करते हैं, तो नीचे का देखते हैं नज़रिया। अब मैं अंदर आ चुका हूँ दोस्तों, जी हाँ, और देखिए अंदर आने के बाद एक लौका नज़र आ रहा है, ये देखिए ये सॉलिड दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रस्सी बांधा हुआ है और एक ठे और लौका है इसमें, देखिएगा गौर कीजिएगा दोस्तों। ये देखिए एक ठे लौका यहाँ पे है, ये देखिए ये एक ठे लौका है, एक ठे यहाँ, दो ठे फरा हुआ है, यानी कि दोनों सुरक्षित है अपने जगह पे। और यहाँ पे लकड़ी लगा के आसानी से इस टाइप से मचांग बना दिए हैं, लकड़ी लगा दिए हैं, अब देखिए इस टाइप से है। मैं वीडियो के माध्यम से ही बताना चाहता हूँ कि गाँव देहात में आसानी से आप कम खर्चे में ज़्यादा अच्छा से कमा सकते हैं। तो इधर का डांट जो है थोड़ा मर गया है, लगता है कुछ काट दिया है, हो सकता है साफ सफाई करने में हुआ होगा क्योंकि दीपावली का समय है दोस्तों। और देखिए इधर भी इस प्रकार से है। अब इधर आते हैं दोस्तों, सब कुछ आप देख लिया, आपने देखा कि किस प्रकार से खेती किया जाता है, हम लोग देहात में कैसे करते हैं। एक और अलग चीज दिखाते हैं, इसको क्या बोलते हैं आप लोग बताइएगा। जी हाँ दोस्तों, ये जो फल नजर आ रहा है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं आप, हम लोग इसको रामसेमी बोलते हैं, इसका भी सब्जी खाते हैं दोस्तों। बड़ा बड़ा फलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, खाने में स्वादिष्ट है, क्योंकि जो छोटा वाला सेम होता है दोस्तों, छोटा वाला सेम का सीजन अभी नहीं है, अभी मक्का का टाइम है। देखिए मक्का का पेड़ लगा हुआ है, टूट रहा है मक्का, लोग तोड़ रहे हैं। और ये भिंडी आप देख रहे हैं, इसको पकाया जा रहा है, जी हाँ, ये पक जाएगा अच्छा से, ये इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि पक रहा है, जब ये पक जाएगा तो इसका बिया को निकाल कर धर दिया जाएगा और पिछले साल इसी को फिर दोबारा लगाएंगे, इस
इसी को दोबारा लगाएंगे। ये देखिए रामसिमी जो बोलता था बोल रहा था मैं, यह है क्लियर वीडियो में दिखाई दे रहा है अभी। ये देखिए छोटा सा है अभी, बड़ा हो जाने के बाद बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से गांव से जो बिलोंग करते हैं लोग रहते हैं गांव में, इस प्रकार से अपना सब्जी उगाते हैं कम जगह में, ज़्यादा पैदावार करने के लिए इस प्रकार का जुगाड़ लगाते हैं। और ये जो लकड़ी दिखाई दे रहा है पीछे साइड, ये जलाने के लिए है दोस्तों। हम लोग के पास गैस का गैस डलाने के लिए पैसा नहीं होता है गाँव में जो लोग रहते हैं। मैं खुद अपना बताता हूँ कि गैस अभी 1000 रुपये से नीचे मिलता नहीं है और गैस डलाने के लिए पैसा नहीं होता है। तो हम लोग इस प्रकार के लकड़ी से, सूखा हुआ लकड़ी जंगल से लाके खाना बनाने के लिए उपयोग में करते हैं। ये देखिए इधर भी है। तो मैं स्पेशल आज जो व्लॉग बना रहा था दोस्तों, मैं अपना घर का वीडियो बना रहा था, घर का दिखा रहा था कि इस टाइप से है हमारा घर परिवार, इस टाइप से चल रहा है। और यदि आप लोग को वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा, थोड़ा सा भी कि हाँ ऐसे होता है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिएगा। और रही मेरा दीदी के पास चलते हैं, दीदी के पास चलते हैं, आप बने रहेगा मेरे साथ 2 मिनट के लिए। दीदी क्या कर रही है देखिए, तो दीदी यहाँ पे मछली धो रही है। ये देखिए इसमें मछली है दोस्तों। ये देखिए बड़ा वाला मछली ऐसे धोआ रहा है ऐसे। तो दीदी अभी मछली धो रही है, यानी कि आज मछली बनेगा, आज खाने के लिए मिलेगा मछली। तो चलिए आज का व्लॉग वीडियो इतना ही, फिर अगले वीडियो में आएंगे कुछ अलग लेकर, कुछ नया लेकर। तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो में बोलूँगा, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपना इस भाई को आगे बढ़ने में मदद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दुलार दीजिए। नमस्कार।